देश ले अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते मेडल जितन वाले पहलवान 23 अप्रैल तो जंतर मंतर उपर तरने ते बैठे हैं अते जिथे उन्हां दे हक दे विच कई राजनीतिक पार्टियां दे आगू आए हैं उत्थे ही उन्हां कोल हुण समर्थन देण दे लई गल कीती जावे तां देश भर दे विच वख-वख वर्ग दे लोक ते आम जनता उन्हां खिडारना दे हक दे विच आवाज़ बुलंद कर रहे ने। इस दे तहत गुरदासपुर दे बटाला शहर दे विच पंजाबी लोक खिडारी मंच वल्लों एक रोस मार्च कढ़िया गया ते भाजपा सांसद ते कुश्ती महासंघ दे प्रधान ब्रिजभूषण शरण सिंह दे उपर महिला पहलवाना दे यौन शोषण दे गंभीर दोष लगाए गए। इस दे तहत कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। दस दिए कि बटाला दी सड़कां ते रोस मार्च करदे पंजाबी कवि अते लेखक अते सेवा मुक्त प्रोफेसर ने जिथे पहला महिला पहलवाना नूं जो इंसाफ दे लई लड़ रही हैं उन्हां दे हक दे विच आवाज़ नूं बुलंद किया उत्थे कुश्ती महासंघ दे प्रधान ब्रिजभूषण शरण सिंह दे खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की। आओ तुम दसते हैं कि कुछ कहना है कवियां ते लेखकां दा। अज असी उन्हां बहादुर औरत पहलवाना दे हक च पंजाबी लोग लिखारी मंच बटाला ते लोक चेतना मंच बटाला वालों एक उन्हां दे हक च आवाज उठा रहे हैं और ओ देश दियां धीआं जिन्हां ने अंतरराष्ट्रीय मुकाबलियां च विनेश फोगाट ते साक्षी मलक वर्गियां ते बजरंग पूनिया वर्गे पहलवान जिन्हां ने देश दा नां रोशन कीता खेडां दे मामले च और कई राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय उन्हां ने सन्मान प्राप्त कीते ते जिहड़ा कुश्ती फैडरेशन दा प्रधान आ ब्रिजभूषण शरण सिंह ओ उन्हां अपनियां औरत पहलवानां दा जिनसी शोषण करदा और ओ बहादुर तियां जिन्हां नूं खेड दे मैदान च होना चाहीदा ओ अज दिल्ली दे जंतर मंतर ते पहलो उन्हां दिल्ली धरना जनवरी च धरना दिता सी सरकार ने भरोसा दिता सी वी असीं तुहाडियां मंगां ते गौर करांगे पर अजे तक उस बदमाश एमपी नूं गिरफ्तार नहीं कीता पहले और साडियां ओ धीआं गर्मी दे मौसम च उत्थे बैठियां अपने अपने हक अपने नाल होए धक्के दे खिलाफ लड़ रहियां और सानू एक बड़े दुख नाल कहना पैंदा कि अज ये कहा जा रहा कि देश दी इज्जत प्रभावित हुंदी आ असीं कहिंदे आ जे ओ औरतां चुपचाप जबर सह लैण जे ओ औरतां अपने नाल हुंदे धक्के बारे ना बोलण ते फिर देश दी इज्जत वधदी आ। असीं उहनां बहादुर औरतां नूं सलाम करदे आ और उहनां दे हक च आ साडे प्रोफेसर प्रोफेसर नीरज शर्मा जी कामड विरक जी साडे लेखकां दे आगू केंद्रीय पंजाबी लेख सभा दे मीत प्रधान वर्ग सलामत जी और ये साडे बहादुर साथी जिहड़े सारी उम्र हक सच इंसाफ लई लड़दे रहे आ ये अज उहनां जिहड़ियां देश दियां धीआं साडियां धीआं अज स्वराज वीर ने एक आर्टिकल च लिखिया कि वो साडियां धीआं ने अपनियां धीआं दे हक च असीं आवाज़ उठा रहे हां और असीं लड़दे रहांगे जे अगों भी सानू लोड़ पई ते असीं लाजमी तौर ते इत्थे गांधी चौंक दे विच जाम वी लावांगे। बेटियां जिहड़ियां उत्थे पहलवान लड़कियां कर रहियां ने अपना रोस मुजहरा ही उहनां दे हक विच आए आ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੇਖੋ ਲੜਕੀ 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪੱਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਲੋਕ, ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਮੰਚ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਤਗਮੇ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਜਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾਏ।
जिहड़े इहदे दोषी ने उन्हां नूं गिरफ्तार करके बनदी सज़ा जिहड़ी ओह दित्ती जाए। बटाला तों विकी मलिक दी रिपोर्ट, स्काई न्यूज़ पंजाब।